हेलो दोस्तों, मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपका एक नया और मनपसंद चैनल में इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन में। ले शुरुआत करते हैं आज, जो कि एक फाइनल प्रोजेक्ट की ओर हमारा घर तैयार हो चुका है, उसमें लेके चलते हैं। तो जैसा कि आप जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको एक क्वीन साइज हॉल मिलेगा। इंटीरियर वर्क हुआ है वो प्रॉपर, इसके लाइटनिंग से लेके इसके एक कारपेट तक भी सभी एक दूसरे से मैच करते रहे हैं। बात कर लेते हैं हॉल के बाद एक क्वीन साइज बेड के बारे में। ये बेडरूम आपका 11x13 के आसपास है, जिसमें लाइट बेड कुशन जो लगाया गया है वो भी प्रीमियम क्वालिटी का है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रूम में जो खिड़की का साइज है और जो एंट्रेंस हमारा घर का जो एंट्रेंस होगा वो भी कम से कम इतना रहे कि कोई सामान ले जा सके, वो भी बिना किसी रुकावट के। तो उसे ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है एक बड़ा सा एंट्रेंस और साथ में एक और विंडो में हमने बनाया है एक एक्सटीरियर व्यू के साथ। हम जब भी अपना कर्टन हटाएंगे तो सामने का व्यू बिल्कुल साफ साफ देख सकेंगे। अब बात कर लेते हैं किचन के बारे में। तो किचन में जैसे कि हम जानते हैं कि किचन में टॉयलेट के साथ इधर हमारे पास आ जाता है एक फ्री स्पेस साथ में, जिसके सामने हमें जो है यहाँ पे एक छोटा सा मान लीजिए कि जगह रखने की जगह बन जाएगी। और इसके साथ ही हमारा स्लैब किचन का, ये हमारा किचन का स्लैब है। अब इसमें बात करेंगे कि इस किचन का स्लैब इतना रखने का कारण क्या है। ये आप बीम देख रहे हैं यहाँ का, ये हमारा प्लिंथ लेवल हो गया, जो ये चीज़ हमारा चल रहा है ये प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल से इस स्लैब का हाइट जो है, इस स्लैब का हाइट कम से कम 35 इंच रखना होता है, क्योंकि मान लीजिए सिलेंडर का हाइट 27-28 इंच होती है, उसके बाद 3 इंच का हमें जो है कम से कम गैप देना पड़ता है सिलेंडर ले जाने निकालने में। और इसके ऊपर 2 इंच का अगर ले लेते प्लास्टर के साथ जब मार्बल होगा तो लेडीज सबको खाना बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग कम से कम 35 इंच ही फाइनल हाइट रखते हैं इसका। कम से कम जो यूटिलिटी हो और फ्री स्पेस इतना हो कि घर में 3 लेडीज कम से कम खाना बना सके, वो भी साथ साथ। अब बात करते हैं टॉयलेट और बाथरूम के बारे में। यहाँ पे हमने दिखाया है टॉयलेट में आपको फाउंटेन, टॉयलेट सीट, सब था एक छोटा सा हमारा प्लान, जिसमें आपको अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर करिए। और क्वेरी क्या है आपकी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद मेरा एक नया चैनल है अग्नि की उड़ान, उसमें मैं बताता हूँ कि अपने वैदिक सभ्यता और
पौराणिक सभ्यता के हिसाब से जो हमारे जो धर्म ग्रंथ पे लोगों का जो मानसिक विचारिक जो व्यवहार है वो कैसे साइंटिफिकली जो हमारे वेद दिए हैं उसे हम वैचारिक रूप से कैसे जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सब बातें छोटी छोटी सी है, आपको ध्यान रखनी पड़ती है, उसमें मैं बताते जाता हूँ आपके जो धर्म के ग्रंथ के हिसाब से वास्तुशास्त्र का क्या क्या रोल और आपके धार्मिक वैचारिक जीवन जो कैसी होनी चाहिए वो सब मैं उस सेक्शन में बताते जाता हूँ, तो जाइए वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो अब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम। मिलेंगे अगले